सीट लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। पिछली बार के मुताबिक इस बार सीटें आधी मिली है। वहीं कई ऐसे दिग्गज जिन्हें हार का सामना अपने इलाके में करना पड़ा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि किस जगह कैसे केंद्रीय मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के परिणाम में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। जिस तरह सबसे बड़े सूबे में बीजेपी का ग्राफ गिरा है, उसे पार्टी पचा नहीं पा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की हार के पीछे भले ही जनता की नाराजगी एक वजह मानी जा रही हो, लेकिन चुनावी आंकड़े बताते हैं कि पार्टी के कई धुरंधरों के क्षेत्रों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नतीजे बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार के कई मंत्री और क्षेत्र धाराशायी हो गए। मुरादाबाद, बिजनौर से लेकर प्रयागराज और कौशाम्बी में बीजेपी को मुंह खानी पड़ी है। भूपेंद्र चौधरी अपने क्षेत्र में जीत नहीं दिला सके। संगठन महामंत्री धर्मपाल के इलाके में हार। डीपी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में बीजेपी पस्त है। नंद गोपाल नंदी गुप्ता के इलाके में हार। मंत्री धर्मपाल और अस्सी मरों के क्षेत्र में हार। ओम प्रकाश राजभर, दया शंकर सिंह के क्षेत्र में हार। संजीव गौड़, गिरीश चंद्र यादव के इलाके में हार। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े छत्रव और बड़े चेहरे अपने ही क्षेत्र में जीत नहीं दिला पाए और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का परिणाम बेहतर उनके पक्ष में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसमें खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, ये सब अपने अपने क्षेत्र में हार दिलाते रहे, अपने ही क्षेत्र में वोट तब्दील नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी, ये सभी अपने ही क्षेत्र में पूरी तरह से फेल नजर आए। परिणामों पर गौर करें तो प्रदेश सरकार में एक दर्जन से अधिक मंत्री अपने अपने इलाकों में बीजेपी की सीट नहीं बचा पाए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के गृह जिले मुरादाबाद, महामंत्री धर्मपाल के गृह जिले बिजनौर में भी बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। पूरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में मिली हार। नगीना और संभल में पार्टी की करारी शिकस्त। बिजनौर में आरएलडी की जीत से एनडीए का खाता खुला। लोकसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरे दो मंत्रियों को भी बड़े अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। इनमें रायबरेली से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने टिक नहीं पाए और प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को अपने ही जिले मैनपुरी में अखिलेश यादव के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दिग्गजों के इलाके में बीजेपी की हार के लिए वैसे तो जातीय समीकरण, विपक्ष के बड़े चेहरे और कई स्थानीय समीकरण की वजह से बताया जा रहा है, लेकिन कारण जो भी रहा हो, यूपी में बीजेपी की बैड परफॉर्मेंस का नतीजा रहा है कि पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और फिर गठबंधन की सरकार वाला दौर लौट आया। टीम न्यूज और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम।